हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के 9th तक न्यूमेरिकल पढ़ चुके हैं। आज आपको 10th नंबर से न्यूमेरिकल बताएंगे और जो एक जैसे हैं उनको हम छोड़ते जाएंगे, वो आप कर लीजिएगा। ठीक, देखिए इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो क्षेत्रफल की वैल्यू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर दी है। कह रहा है दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है 75 न्यूटन प्रति कूलाम है। कह रहा है प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना कीजिए। देखिए दो प्लेटें इस प्रकार से और इनमें से एक प्लेट धनावेशित होती है, आप जानते भी हैं संधारित्र में एक प्लेट धनावेशित होती है, एक ऋणावेशित होती है, और ये पॉजिटिव है निगेटिव, इस पर प्लस क्यू आवेश, इस पर माइनस क्यू आवेश। एक का दिया सेम ही होगा दोनों का जो हमें दिया हुआ है ना, और ई इनके बीच वैद्युत क्षेत्र का मान भी दिया हुआ है। तो हमसे पूछा गया है प्रत्येक प्लेट पर आवेश की वैल्यू बताओ। तो याद कीजिए जरा कि समान आवेश घनत्व की धन तथा ऋण प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है σ/ε0। ठीक है, σ/ε0 क्या होती है, εε0। σ/ε0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, लेकिन सिग्मा में नहीं मालूम, तो सिग्मा निकालने के लिए आप सिग्मा को रख सकते हैं उपान ए, तो सिग्मा और क्यू उपान ए रखेंगे। यहां पर लिख देंगे कि चूंकि सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू उपान ए, तो क्यू उपान एप्सिलॉन नॉट है ना, या एप्सिलॉन नॉट ऐसे कर दें, एप्सिलॉन नॉट ए हमें क्या निकालना है क्यू, तो क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए ई। मान रखो सभी के एप्सिलॉन नॉट का मान याद कीजिए 8.85 × 10^-12 ए क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कितना है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 50 × 10^-4 मीटर स्क्वायर। और वहीं ई कितना है, ई आपका दिया है 75 न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, अब आप इसको हल कर लीजिए, 75 50 इसका सबका गुणा कर लीजिए तो आपका निकल कर आ जाएगा 3.32 × 10^-12 कूलाम। ठीक है, देखिए जब आपकी ये इसका और इसका इसका गुणा करेंगे 3.32 करके आगे कुछ पॉइंट्स आएंगे वो 10^-4 से और किधर किसे जाएगा, तो 3.32 × 10^-12 कूलाम इसमें आवेश आएगा। देखिए ये जो है ये न्यूमेरिकल गॉस की प्रमेय में होना चाहिए, क्योंकि गॉस की प्रमेय में ही आपने ये बात पढ़ी, ये बात इसमें नहीं है, इसमें कहां पढ़ी, हाँ आई, जब हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कैलकुलेट करते हैं तो वहां पर आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान लिखा था हमने q/ε0, और यहाँ पर कोई माध्यम तो है नहीं, यदि यहाँ पर मान लीजिए के परावर्तन का माध्यम होता तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी निकल आती q/ε0, के नीचे आ जाता थे तो यहाँ आवेश चेंज हो जाता, लेकिन यहाँ पर कोई आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, ये भी गॉस की थ्योरम में पहले था, शायद अभी हो। कह रहा है दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समीप, दो प्लेटें हैं और ये एक दूसरे के समीप रखी हैं। कह रहा है प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, इस पर एक पर प्लस सिग्मा है, एक पर माइनस सिग्मा, सिग्मा का परिमाण दिया है 1.770 × 10^-11 कूलाम/मीटर स्क्वायर। क्यू मान होता है ना विपरीत चिन्हों का, एक पर प्लस का है इतने, एक पर माइनस का है। आगे कह रहा है प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी, सेम वही बात पूछ रहा है फिर से। तो आपने पढ़ा कि समान पृष्ठ घनत्व की दो प्लेटें एक घन एक ऋण प्लेट हो तो उनके बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E=σ/ε0, तो यहां पर यही लगा सकते हैं E=σ/ε0। सिग्मा का मान कितना है 1.770 × 10^-11 εε0 का मान कितना है 8.85 × 10^-12 का कितना 12, ठीक है माइनस की 12। देखिए यहां पर ऐसा करते हैं कि ये ऊपर भी 10^-12 कर दिया, तो यहां पर इसको 17.70 लिख सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं 8.85 × 10^-12। कट रहा है ये पूरा पूरा दो बार कट जाएगा, 2 न्यूटन पर कूलाम आएगा। ठीक, समान पृष्ठ घनत्व की 2 न्यूटन पर कूलाम आएगा। देख लीजिए भाई, एक हमने पावर ली है माइनस की 12 की है,
तो यहाँ पर प्लस की एक बढ़ानी चाहिए, 17.70 करना चाहिए, ठीक। प्रश्न गणित का मान आपको कितना दिया है, 1.770 10 की पावर माइनस 11 दो न्यूटन पर कूलम ही आएगा, इसमें गलत दे रहे हैं 20 न्यूटन पर कूलम। सेम एक जैसे क्वेश्चन थे, सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट ए, सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट ए से ही क्वेश्चन होना है, ठीक। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो एक तरफ से बता रहे हैं इसे तो बहुत टाइम लगने वाला है। 12 नंबर देखिए, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन हम पढ़े दे रहे हैं, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी 0.05 सेंटीमीटर है, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस दी है d = 0.05 सेंटीमीटर, और इनके बीच कोई परावैद्युत कर देने पर इसकी धारिता हो जाती 3.54 × 10⁻¹⁰ फैराड। कह रहा है परावैद्युतांक की गणना कीजिए। ध्यान दीजिए, एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस 0.05 सेंटीमीटर है, और प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत बल देने पर उसकी धारिता 3.54 × 10⁻¹⁰ फैराड हो जाती है। तो हमसे पूछ रहा है कि परावैद्युतांक की गणना कीजिए। तो आपने पढ़ा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, देखो ये धारिता है परावैद्युत भरने पर, ध्यान देना परावैद्युत भरने पर इतनी धारिता हुई है, पहले कुछ और होगी वायु में, ठीक। तो आपने संधारित्र की, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक पढ़ा है c = k ε0 / d, में क्या आ जाएगा d, c = k ε0 / d, c का मान 3.54 × 10⁻¹⁰ k का मान निकालना है, ε0 का मान 8.85 × 10⁻¹² और भाई किसका रखना है, ε0 a 100 × 10⁻¹⁴ रख सकते हैं, ठीक। नीचे देखिए आप समझ लीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको मीटर बनाएंगे तो 10⁻¹⁴ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डी प्लेटों के बीच का डिस्टेंस 0.05 × 10⁻¹² में क्या आ जाएगा, 10⁻²⁻ बन जाएगा। यहां पर इसको सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर बना ले, 10⁻²⁻ (0.05 × 10⁻²) 2 मीटर मान कर दे, देखना 10⁻½ × 12 × 4 = 16, ठीक। 12 × 4 = 16, 2 1 हो जाएंगे तो बचेंगे 10⁻¹⁴, 10 हो जाएंगे -2 सब कट जाएंगे, ठीक। सारे ध्यान देना फिर से, 10⁻²⁻ से 10⁻¹⁰ बचेंगे, -10 - 10 कट जाएंगे, ठीक। देख लेते हैं और भाई बचेंगे 10⁻⁴ 2 0 तो 10⁻²⁻ बचेंगे, ठीक। -2 बचेंगे, ये पॉइंट लगा के ऊपर 100 बढ़ा दिए, अब तो कर देंगे, ठीक। फिर एक बार क्या किया मैंने, 10⁻² क्या ऐसे जोड़ लो, ये पॉइंट रहा कितनी हो गई, 2 पर हो गई, 2 × 2 = 4 से ये 4 समाप्त हो गए, 4 + 4 - 10⁻²⁻ से 10⁻²⁻ कटा, 10⁻²⁻ यहां पे बचा, तो इससे बचा क्या आपके पास, बचा आपके पास 3.54 k × 8.85 और काम में 5, ठीक। क्या आएगा 3.54 k × 8.85 / 5 भाग कर दें, भाग करने पर क्या आएगा 5 × 5 = 3 × 5 = 35 k = 3.54 / 1.77 माध्यम का परावर्तन 2 आ जाएगा। इस प्रकार इसको परावर्तन कैलकुलेट कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं आप इसको, ठीक। इसके बाद कह रहा है अगले क्वेश्चन में, एक वायु संधारित्र की धारिता 2 μF है। देखिए बताया था वायु संधारित्र की धारिता, जब प्लेटों के बीच में वायु है तो उसकी धारिता को हम C0 से लिखते हैं, 2 μF दी है, और कह रहे हैं कि अन्य माध्यम रखने पर धारिता, माध्यम रखने पर प्लेटों के बीच में जब कोई हम माध्यम रखते हैं तो उसकी धारिता क्या हो जाती है, 12 μF, C = 12 μF।
तो माध्यम का परावैद्युतांक पूछ रहे हैं, ठीक। तो याद कीजिए जरा, C इक्वल टू के सी नॉट, C इक्वल टू के सी नॉट, C का मान कितना 12, K मालूम नहीं, C नॉट का मान कितना 2, K इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। माध्यम का परावैद्युतांक देखिए, K के बारे में जान लीजिए, K जो होता है इसका मान कभी भी 0 से कम नहीं होता, अरे 1 से कम नहीं होता है, 1 या 1 से बड़ा होता है। देखो 1 से कम करोगे तो ऋणात्मक हो जाएगा दशमलव में, जीरो हो नहीं सकता, ऋणात्मक हो नहीं सकता। तो एक बार ये विकल्प पूछा गया कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक हो सकता है, तो उसमें विकल्प था जैसे 6 लिखा है, 0.5 लिखा है, 0 लिखा है, -2 लिखा है, तो ना ऋणात्मक हो सकता है, ना शून्य हो सकता है, ठीक, ना 1 से कम हो सकता है, 1 से ज्यादा, 1 या 1 से ज्यादा, तो 6 हो सकता है, लिख सकते हैं, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन आप धारिता पर आधारित कर लेंगे, ठीक। देखिए आगे बढ़ते हैं, और एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल दिया है, प्लेटों के बीच की दूरी दी हुई है, प्लेटों के बीच में है निर्वात, इन प्लेटों के बीच 10,000 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जाता है, संधारित्र की धारिता और प्रत्येक प्लेट पर आवेश पूछ रहे हैं, ठीक। क्या दिया क्वेश्चन में, एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसमें प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल जो है 2 मीटर स्क्वायर है, प्लेटों के बीच की दूरी है 5 मिलीमीटर, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका ये है 14। देखिए प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर है, ठीक, प्लेटों के बीच की दूरी 5 mm है, mm मिलीमीटर, मिलीमीटर को मीटर बना लें तो ये हो जाएगा 5×10^-3 मीटर, ठीक। और प्लेटों के बीच 10,000 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया गया, तो कह रहे बताओ सी कितना होगा और प्रत्येक प्लेट पर आवेश का परिमाण क्या होगा। क्वेश्चन ये क्या पूछा, एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल दिया है, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस दी हुई है और विभवांतर दिया है, धारिता पूछना है, कितना आसान है, प्लेटों के लिए निर्वात है ना, तो धारिता का व्यंजक आप लगा सकते हैं C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक। या ये भी लिख सकते हैं कि निर्वात के लिए के बराबर ए और C का सूत्र क्या होता है, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, के का मान 1 रख देंगे तभी ये आएगा। यहां पर ये लिख लें कि निर्वात के लिए के का मान कितना है, निर्वात के लिए के इक्वल टू 1 है, ठीक। तो धारिता का व्यंजक लगा सकते हैं C इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक। क्या आ जाएगा, के का मान कितना, 1 रख लें निर्वात के लिए, निर्वात या वायु की बात करें, के का मान 1 रख लो, एप्सिलॉन नॉट ए का मान कितना, एप्सिलॉन नॉट ए का मान है 0.85×10^-12, ए का मान बताइए, ए का मान दिया हुआ है 2 और डी का मान कितना है 5×10^-3, तो सी बराबर क्या आ जाएगा, देखो 5 से इसको काट सकते हो, कितना आएगा 5×5=7 आ जाएगा, 2 से गुणा कर लो 3.54×10^-12 फैरड आएगा मात्र दर तक, लेकिन 10^-12 को आप लिख सकते हैं पिको फैरड, पिको लिख सकते हैं, तो ये भी लिखा जा सकता है 3.54 पिको फैरड, ठीक है। ये तो संधारित्र की धारिता हो जाएगी। इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है कि संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर आवेश, प्लेटों के बीच विभवांतर कितना है 10,000 वोल्ट, आवेश निकालना है, क्यू और एस भी लगा दे, ठीक। देखेंगे प्रत्येक प्लेट पर आवेश, प्रत्येक प्लेट पर आवेश क्यू बराबर क्या आएगा सीवी, सी का मान धारिता, देखो पिको फैरड मत रखना, अगर पिको फैरड रखोगे 10,000 से गुणा हो जाएगा तो इतने पिको कूलम आ जाएगा, तो इससे अच्छा है -12 वाले रख लो, 3.54×10^-12 और बी का मान कितना है 10,000, तो 4 बार कम हो जाएंगे, तो यह आ जाएगा 3.54
गुणे 10^-8 कूलाम, ठीक है। 3.54 गुणे 10^-8 कूलाम का आवेश होगा और 3.54 गुणे 10^-12 मीटर इसकी धारिता हो जाएगी। तो डायरेक्ट ये जो तुम्हारे यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं ये सभी फार्मूला बेस्ड हैं, सब क्वेश्चन आपके फार्मूले के अनुसार होंगे, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जिसमें अलग से कुछ करना पड़ा, ठीक है। देखिए यहां पर आपकी -3 पावर छूट गई, तो फिर ये -9 पावर बची है, तो नैनो फेरेड लिख सकते हैं इसको, पिको फेरेड नहीं लिखेंगे। और यहां पर भी आपकी 9 पावर आएंगी माइनस की, तो 4 कम हो जाएंगे, माइनस की कितनी बचेंगे 5, 3.54 10^-5 जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है 0.004 माइक्रोफेरेड धारिता के 0.004 माइक्रोफेरेड धारिता के समांतर प्लेट संधारित्र को बनाने के लिए कागज के कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी यदि कागज का परावैद्युतांक, कागज का परावैद्युतांक है 2.5 और मोटाई है 0.025 मिलीमीटर, ठीक है। देखिए एक समांतर प्लेट संधारित्र बनाना है लेकिन उसके बीच जो माध्यम रखना है वो कागज रखना है, तो कितना कागज का माध्यम कितने क्षेत्रफल का रखें, इसका मतलब प्लेट का क्षेत्रफल, वो प्लेट का क्षेत्रफल इससे निकलेगा क्योंकि लगभग सी आकार का हम बीच में माध्यम रखते हैं, ठीक। तो कह रहा है कितना क्षेत्रफल रखें कागज का कि उसकी धारिता जो है 0.04 माइक्रोफेरेट हो जाए, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज है 0.04 माइक्रोफेरेट धारिता का एक संधारित्र बनाना है, 0.004 है और कह रहा है कागज के कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी, क्षेत्रफल पूछ रहा है, यदि कागज का परावैद्युतांक है 2.5 और कागज की मोटाई जो है वो डी माने ले रहे हैं 0.025 मिलीमीटर ये दिया है। देखिए कैसे बना होगा, समांतर प्लेटें तो धातु की ही हैं, दो प्लेटें इस प्रकार से हैं, ठीक, इनके बीच में 0.025 मिलीमीटर का कागज रखना है और कागज का कितना क्षेत्रफल रखें, देखो उतने क्षेत्रफल रखना है जितना की प्लेट का, क्योंकि हमारे फार्मूले में जो C=KεE होता है वो ए जो है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का है, तो जितना प्लेट का क्षेत्रफल उतना कागज का क्षेत्रफल रखना चाहिए और बीच में रखा बिल्कुल कागज की मोटाई इस तरह से समांतर प्लेट संधारित्र है, बीच में कागज रख दिया गया, तो जो प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है वो कागज की मोटाई हो जाएगी, परावैद्युतांक के हो गया और सी तो हमें मिल हुई है एक बार, ठीक। क्या करें बताइए, क्या सूत्र लगाएं इसको सही कर लेते हैं, इसको हम 4×10^-9 फेरेड लिख लें, भाई 10^-6 आएगा माइक्रो और पॉइंट हटा देंगे 10^3 नीचे आएगा तो 10^-9 हो जाएगी, मिलीमीटर को मीटर बना ले इसको लिख सकते हैं 25×10^-6 मीटर, पॉइंट हटाने से नीचे 10^3 आएंगे और आपका मिलीमीटर से मीटर बनाने के लिए 10^-3 से करना पड़ेगा, 10^-6 हो जाएंगे, तो आपके पास क्या हो गया CAKD, क्या सूत्र लगा दें C=KεE अपान में क्या आ जाएगा डी, C=KεE, सी का मान रखेंगे 4×10^-9, के का मान कितना है 2.5, एप्सिलॉन का मान कितना है 8.85, 10^-12, ए का मान निकालना है, डी का मान दिया हुआ है 25×10^-6 मीटर। अब भैया इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे, देखिए -6 बार तो ऐसी कट जाएंगे तो कितनी बचेंगी, -6 बचेंगी, 9 माइनस की तो यहां माइनस की कितनी बचेंगी
यहां माइनस की तीन बची, या ऐसे कर लो 12 छे 9 छे का 15, 12 कट जाएंगे, इधर माइनस तीन बचेंगे, बचेगा 4 गुणे 10 की पावर माइनस 3। देखो ध्यान देना, ये है 2.5, ये 8.85 अपान में 25, और ये क्या बचा, ये पॉइंट डाले 0 डाले, तो 25 से सीधे सीधे 10 बार कट जाएगा, 10 का तिरछा गुणा कर लेंगे, ठीक, तो वो हो जाएगा 40, 10 से 40 हुआ ना, और 8.85 को बटे में भेज दे तो कितना आ जाएगा, बटे में 8.85 इंटू में 10 की पावर माइनस 3 बराबर a, a बराबर इसका भाग कर देंगे 3.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर, ठीक, तो कागज का कितना 3.5 आएगा, 4.5 आएगा, 8 से 9 चौक 36 होगा, 9 लगभग 4 बार चला जाएगा, 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर इतना एरिया इसका निकल कर आएगा। यदि हम समांतर प्लेट संधारित्र में प्लेटों के लिए इतने क्षेत्रफल का कोई कागज रख लेंगे तो उसकी धारिता 0.04 माइक्रोफैरड हो जाएगी।